In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear student of class 9. Dear student, today is lecture number 29 and lesson 18. And we will continue from the remaining lesson. As we were reading a letter about the village life of Pakistan. So today we will proceed from the remaining lesson. Just as Otag is the meeting place for men, the village well is the meeting place for women. Here, my dear sir, well is mean jo kuan hota hai wo usko kehte hain ki well. Kyunki Otag jo meeting place hoti hai kiske liye? Male ke liye, jo male hazrat hote hain, jo mard hazrat hote hain unke liye. और जो वेल जो कुआं है उस वो जगह किसके लिए मतलब मीटिंग प्लेस है वो वोमेन के लिए. द विलेज पीपल जनरली अवेक एट डॉन, दे आर नॉट लेट स्लीप और लाइक सिटी पीपल. जो लोग होते हैं जो विलेज में जो विलेजेस होते हैं वो सुबह सवेरे उठते हैं और काम पे जाते हैं और वो ऐसे नहीं होते जो सिटी में लोग मतलब देर तक बस सोते हैं. मैन गो टू से देयर प्रेयर इन द मॉस्क while women say their at home. जो मर्द होते हैं वो मॉस्क में मतलब नमाज़ पढ़ते हैं सुबह से और जो औरतें होती हैं वोमेन होती हैं वो घर में ही नमाज़ पढ़ती हैं. Men milk the cows and buffaloes and women churn the milk to make butter and lassi. जो men होते हैं जो मर्द होते हैं वो cows and buffaloes से milk लेते हैं और जो women होती हैं वो उसमें से बटर एंड लस्सी जो मतलब बनाती हैं. लस्सी इज़ देयर मेन ड्रिंक विलेज में. इफ़ यू बिलोंग टू एनी विलेज यू मे नो वेल अबाउट दीज थिंग्स. लस्सी इज़ द पॉपुलर ड्रिंक ऑफ द विलेज. नाउडेज टी ऑल्सो अपीयर्स टू हैव फाउंड इट्स वे इन टू द होम्स ऑफ सम द विलेजर्स. आजकल जो है लस्सी के जगह जो रिप्लेस में आई है वो टी मोस्टली जो सुबह को मतलब होती है. विलेज लाइफ हैज़ इट्स ओन चॉम्स. चॉम्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? मीन्स ब्यूटी. विलेज की ज़िंदगी जो है वो अपनी एक खूबसूरत वाली ज़िंदगी है. इट इज़ वेरी प्लीजेंट टू गो एंड लिव देयर फॉर अ फ्यू डेज. ये एक बेहतरीन है अगर कुछ दिन के लिए वहाँ हम रहें. इन सिटीज़ देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. सिटीज़ में क्या है कि वहाँ जो पोल्यूशन मोस्टली है जो उनके काइंड्स भी पोल्यूशन के हैं कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन है. ओके, सो ये चीज़ें आपको सिटी में मिलेंगी. बट ऑन द अदर हैंड ऑन द कंट्ररी के विलेज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. ओके, इट इज़ डिवॉइड ऑफ द पोल्यूशन. मतलब वहाँ पोल्यूशन है ही नहीं कि वो एयर फ्रेश एयर आपको मिलेगी. मीन्स फ्रेश एंड फेयर एटमोसफेयर इन द विलेज इज़ वेल. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ इज़ वेल. इन विलेज इज़ द एटमोसफेयर इज़ पीसफुल एंड पीपल इन्जॉय द फ्रेश एयर. विलेज में क्या होता है कि एटमोसफेयर क्या होता है? पीसफुल होता है, पुरसकून होता है, ब्यूटीफुल होता है. And enjoy the fresh air and natural beauty. लोग मतलब वो enjoy करते हैं उससे. You can watch a villager working in this field, his field from dawn to dusk. Dawn to dusk क्या है कि सुबह से शाम तक. You can see him working with a sickle in his hand. Sickle क्या होता है कि जो harvest करते हैं फसल को मतलब वो. आप उनके हाथ में मतलब जो mostly farmers के हाथ में ये चीज़ें जो tools होते हैं. Sickle ये एक tool है. Okay, जो विलेजर के हाथ में होता है ज़मीन की तरफ जाते हैं. द क्रॉप अंडर द स्क्रोचिंग सन. ओके, स्क्रोचिंग सन मीन्स फेरी और हार्ड सन के. द फार्मर्स लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हार्ड वर्क. जो फार्मर्स की ज़िंदगी है ये एक मॉडल है दूसरों के लिए. आई होप यू विल फाइंड दिस लेटर इंटरेस्टिंग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्राम यू. ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्राम यू मोस्टली के मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा. ओके, या करूँगी. माई रेस्पेक्ट्स एंड सलाम टू अंकल एंड आंटी, लव टू डियर रोमाना, यूर लविंग कज़न शाहिद. ओके, क्योंकि ये शाहिद का लेटर था. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन लेटर में इसने शाहिद ने एक्सप्रेस किया कि द विलेज लाइफ ऑफ पाकिस्तान. ओके, he also expressed the city life
about the Pakistan as well, and compare the village life to the city life as well. And you also knew about the village life's a peaceful and fair atmosphere of the village, okay, and beauty of the village as well. And you also knew about the hardworking people, and you also knew about the people who work from dawn to dusk, okay. They also offer prayer. Even you knew about the people who gather at a place where otak is for male or men, and there was a well for the woman as well. So in this letter, we also knew about these things from the Shahid to the Romana, okay? So now come to the dear students exercise as well here. Yahan ke assure karna, mana khatri dilana, yakin dilana, okay? Fortunate hota hai, means luck, fortunately means luckily. Straightforward kya hota hai ke kind hota hai, honest hota hai. Scattered kya hai ke spreaded, jo phele hue. Dawn to dusk means morn to evening, matlab subah se sham tak. Scorching kya hota hai ke hot hota hai, ye adjective hai, hot, shining. Okay, use the above words and phrase in your own sentences. Okay, aapko kya karna hai dear students, ke ye sentences aapko apne jumle mein istemal karne hai. Okay, homework aapke liye. So now, who's living in Canada? Nomi. Shahid writes a letter to Nomi about the village life Pakistan. Ye aapko correct karne padenge. These are very easy to correct. Now, what you have to do here, my dear student, you have to write about the air pollution and skies. Okay, write about the air pollution and village well. So now your homework is to write about the pollution and its kinds. Okay, jaise ke air pollution hai, water pollution hai, noise pollution hai, ke matlab aap us pe likhein. Kis pe likhenge? Write a paragraph or write an essay on the pollution and its kinds, okay, and its impact on the a life of the people. Unki jo impact hai, unka jo effect hai, wo logon ki zindagi ke kis tarah hai, aap wo likhenge. Homework aapke liye. Okay. So I think this is enough for you. So keep in your mind, remember you are doing homework about the pollution, okay, and its kinds, and its impact upon the people's life as well. Thank you, my dear students.